डियर लर्नर, इस लेसन में हम वीडियो नंबर 11 ऑर्डर लिस्ट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। मेन्यू में जाकर फाइल टैब में प्लस सिंबल पे टैब करके हमने एक नई वेब पेज की फ़ाइल बना ली न्यू फाइल ऑप्शन से। और क्योंकि हम वीडियो 11 पे काम करने जा रहे हैं तो हमने वीडियो 11.html इसका नाम दे दिया। ओके, तो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर वीडियो 11 का बना हुआ आ गया। यहाँ पे टाइटल में एज़ यूजुअल आप अपना नाम और उसका सेक्शन दे दीजिए। और अब मैं बॉडी में ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। ट्यूटोरियल में आपको ऊपर में कमेंट्स लिखे हुए हैं, वो आपको इस वीडियो में नहीं लिखना है। YouTube के ट्यूटोरियल में आपके कमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको इस बार प्रैक्टिस करते हुए नहीं करना है। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन्हें पता है वो कर सकते हैं। हम यहाँ सीधा ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए ओवल टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा स्निपेट आ गया। तो ओवल में हम सॉलिड लिक्विड गैस बनाने जा रहे हैं। तीन लिस्ट आइटम है, तो पहला LI हो गया सॉलिड, दूसरा LI हो गया हमारा लिक्विड, और फिर आखिरी LI हो गया हमारा लास्ट हमारा लिस्ट आइटम LI हो गया हमारा गैस। तो हमारा आउटपुट फ़िलहाल ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है 1 2 3 करके। हमें इसे कैपिटल ABC में चाहिए, तो हम ओवल जो टैग है इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जिसका नाम होगा टाइप, और टाइप इज़ इक्वल टू A हो जाएगा, कैपिटल A। प्ले करेंगे और इसका आउटपुट ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी बार जब इस ऑर्डर लिस्ट को बनाएंगे तो इस पूरा टाइप नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एज मच एज़ पॉसिबल स्मार्ट काम कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए। तो सेलेक्ट कॉपी करने के लिए हमने ये डबल रेक्टेंगल ऑप्शन टूल बार से टैप किया और उसे ड्रैग करते हुए यहाँ नीचे क्लोजिंग ओएल टैग तक ले आए। उसके बाद अगेन डबल रेक्टेंगल कॉपी ऑप्शन से हमने उसे कॉपी कर लिया। अब हम नीचे आए और यहाँ पे फिर हमने पेस्ट कर दिया कार्डबोर्ड के ऑप्शन से। ये लेवल ज़रा मेंटेन कर लूँ, ठीक है। अब इसका लेवल मेंटेन है, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया है, चलेगा। तो मैंने ये ऊपर वाली लिस्ट नीचे पेस्ट कर दी है। और यहाँ पे एक ध्यान देना, दोनों लिस्ट के बीच में दोनों लिस्ट अलग अलग है, ठीक है, अगल बगल नहीं लिखी हुई है। जबकि मैंने जब पहली ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्लोज़ हो रही थी उसके बाद BR ब्रेक रूल टैग नहीं लगाया, सीधा अगली लिस्ट स्टार्ट कर दी। तो इससे आपने ये समझा कि अलग अलग जब ऑर्डर लिस्ट अलग लिस्ट कोई भी स्टार्ट होती है तो BR टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमें ये वाला जो लिस्ट है इसे न्यूमेरिक टाइप बनाना है। तो आपको न्यूमेरिक डेसिमल टाइप यानी कि 1 2 3 डेसिमल टाइप के लिए आपको टाइप इक्वल टू 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट उसी तरीके से आता है। तो हम टाइप मिटा देंगे तो वो 1 2 3 करके ही आएगा, लेकिन हमें 97 से हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट स्टार्टिंग लिस्ट आइटम चाहिए। तो हमने एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया यहाँ पे स्टार्ट का और उसकी वैल्यू दे दी 97। देन प्ले किया हमने, तो ये इस तरीके से हमारा आ गया। That's all for this one.